I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. मॉर्निंग। एक दो तीन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जब वहां जाके बैठो। नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस घर का उसूल है कि सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बैठते हैं। पहले पे बड़े भैया, दूसरे पे विजय भैया, तीसरे पे मैं, चौथे पे सुजाता और पांचवे पे तुम। मिस्टर कृष्णा, वहां जाके बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। मैं यहाँ बैठूंगा बोलने से नहीं चलेगा, उठो। फिर पंखे के पीछे पड़ गए, तुम्हें मालूम है वो नहीं चलेगा, जाकर अपनी जगह पर बैठो। भाभी, इस पंखे का दिमाग खराब लगता है, ना मरम्मत करने से चलता है, ना ये बिजली से चलता है, ये सिर्फ आदमी देखकर चलता है। जाकर बैठो, बैठो। ओफो, खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते। भाभी, तुमने और भैया ने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ा है, अब अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए। कहीं डॉक्टरी में सेकंड क्लास में पास हुआ तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह नहीं तो सर दिखा देना। मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम सेकंड क्लास कैसे आओगे? फर्स्ट क्लास आओगे, फर्स्ट क्लास। प्रॉमिस भाभी, प्रॉमिस। जाकर बैठो अपनी जगह पर। भाभी, तुमने मेरी चटनी नहीं बनाई। तुम्हारी चटनी कैसे विजय चाचा? क्या तुम कह रही हो? मेरा मतलब अदरक की चटनी। और इतना सा होकर ऐसी बातें करते हो? उफो, मैं चटनी लाती हूँ अभी, जाकर बैठो। एक क्षण नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर ही दिखाने आए। अच्छा, बहुत बोल रहा है। अब आना मेरे पास चॉकलेट ले, आना। सॉरी सॉरी, मैं देखता हूँ तुम्हारी सॉरी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे, सब हंस क्यों रहे? ओह, ये पंखा। लगता है पिछले जन्म में ये मेरा जुड़वा भाई था, उसे बहुत प्यार करता है, बस मुझे देखते ही चल पड़ता। चलो शुरू। अरे आया भाई, आया आया रहीम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या अदा है बेनियाजी है। लगता है नवाब वाजिद अली शाह दीवाने खास से निकलकर चहलकदमी को जा रहे हैं। अरे भैया, ओह, 10 बज गए मियां। अरे भाई, क्या करूं, तुम्हारी भाभी देर कर देती है। ओहो, भाभी भाभी, आप इतनी देर क्यों कर देती हैं? अब मैं क्या करूं? सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, रवि विजय को कॉलेज भेजना, फिर इनको तैयार करना। अब विष्णु भगवान की तरह चार हाथ हैं तो नहीं मेरे? बिल्कुल सच है, कोई चार हाथ थोड़ा ही भाभी के। हाँ, मका बदनाम करते हो यार तुमने। रहीम, फिर तुमने दोनों की तरफदारी शुरू कर दी। क्या करो यार, तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो भाभी नाराज हो जाती है। और खुदा की कसम, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भाभी को नाराज नहीं कर सकता।
मतलब मुझे कर सकते हो? अरे अपनी दोस्ती तो एक चट्टान की तरह है दोस्त, नाराजगी की ये मामूली मामूली मौजें आकर उसे टकराएं भी तो पाश पाश होकर चली जाएंगी। और मेरी परवरदिगार से ये दुआ है कि हमारी दोस्ती की ये चट्टान इसी तरह कयामत तक सही सलामत रहे। ये लो रहीम भैया, तुम दोनों का दोपहर का खाना खा लेना। शुक्रिया। सुनो, कल दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? भाभी वो क्या है कि भूख नहीं थी। भूख लगेगी कैसे, छुप छुप कर शराब पियोगे तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? कहा भाभी, जिस दिन आपने मुझे डांट 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 कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था उस दिन के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं। अरे शराब पीना तो दूर की बात, मैं शराबियों के मैयत में भी नहीं जाता। अरे हाँ भाभी, हमारे वो चंगू मंगू कहाँ है? अरे आओ 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 मेरे खिलौनों, मेरे जिगर के टुकड़ो। देखो भाई, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए प्यार का, आगे नहीं बढ़ेगी वरना। मजा आ गया, अब ये गाड़ी जंबो जेट बन गई। चलो चलो। अच्छा भाभी आ जा। भाभी कॉलेज जा रहा हूँ। समझ गई, चलो। भाभी 2 रुपए में कुछ नहीं होगा, 2 रुपए और। रवि कॉलेज जाने के लिए बस में 2 रुपए लगते हैं, 4 रुपए किस लिए ले रहे हो? अरे तुम्हारा किराया भी तो मुझे ही देना है लाइब्रेरी जाने का। हाँ, किराया लाइब्रेरी, करेक्ट। थैंक यू भाभी। अरे आँख पड़ती है कहीं, पाँव कहीं पड़ता है, तेरे सब की है हमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में कुछ भी नहीं तो यहाँ सब कुछ है, इस जमीन के नीचे, इस नीली छतरी के ऊपर। अगर कहीं जन्नत है तो यहाँ है, जहाँ मेरा भाई रहता है, जहाँ मेरी भाभी रहती है। रहीम, तू रोज वादा करता है कि शराब नहीं पीऊंगा और रात होते ही वादा तोड़ देता है। देख प्रेम, तू तो जानता है कि वादे बनते तोड़ने के लिए। अब तू शराब पीकर ज्यादा फलसफा मत झाड़, तेरी भाभी उठ गई ना तो तेरी ऐसी हजामत करेगी कि जिंदगी भर तो हजाम के पास जा नहीं सकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी मुझे सजा दे ही नहीं सकती। सजा तो जालिम देते हैं, जालिम। मेरी भाभी रहमत का फरिश्ता है कि नहीं? हाँ है। तो तेरे रहमत के फरिश्ते को मैं अभी बुलाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को इज्जत का फजीता करवाएगा क्या? शराब भी उतर जाएगी, इज्जत का पानी भी उतर जाएगा। तो भाग। भागो कि नहीं? अरे भाग मेरे बाप, भाग यहाँ से। आँख पड़ती है कहीं। Come on, try Ravi's good polish. It is as smooth as your nail polish. ये मामा, ये ना इकबाल। हाँ हाँ राहुल। ऐसा समकान और तोड़ दिस नारका। अरे ओम मेम साहब। क्या है? Try my good polish. It will be smoother than your nail polish. Try it. अरे तुम इंग्लिश में बोलते हो? आपने नाम नहीं पढ़ा। देखिए, रवि बीए बूट पॉलिश वाला। अंग्रेजी स्टाइल में पॉलिश लगाता हूँ, फ्रेंच स्टाइल में ब्रश मारता हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कपड़ा फिराता हूँ, और अमेरिकन स्टाइल में भपका मारता हूँ, और जापानी स्टाइल में आपके जूते को आईने की तरह चमकाता हूँ। आइए कम ऑन। पैसे 3 रुपए 12 आने। क्या ये सब 12 आने लेते हैं? तुम 3 रुपए 12 आने क्यों लेते हो? Because a very very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ आने वाला है? हमारे घर में। मेरा मतलब है इस शहर में। मैं समझी नहीं। आप कैसे समझेंगे? ये जरा हाई लेवल की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ओ मैम साहब। क्या है? चार आना। ओह थैंक यू।
मेरे नोट्स का लगता है इस कमरे में कोई शैतान, कोई चुड़ैल, कोई पलीत, कोई भूतनी है। जल तू जलाल तू, आई बला को संभाल तू। पगले आला चोर, फिर तुम मुझे डिस्टर्ब करने आला, मेरे पैसे वापस दिला। बिल्कुल नहीं। रे? अब पता चला कि तुम रोजाना पेट भर खाना क्यों नहीं खाते, आधा पेट काट कर पैसे बचाते हो। क्या करोगे इन पैसों का? पहले मुझे पैसे। हरगिज नहीं। सारा कॉलेज कहता है कि विजय इस साल डॉक्टरी के इम्तिहान में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा और उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। तुम अगर इस तरफ भूखे रहोगे तो भेजा खाली हो जाएगा। गोल्ड मेडल तो एक तरफ, प्लास्टिक का मेडल भी नहीं मिलेगा तुमको। मुझे पैसे दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो यार। मगर तुम ये सब पैसे किस लिए जमा कर रहे हो? A very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ? हमारे घर में। मैं समझी नहीं। ये जरा हाई लेवल की बात है, तुम समझोगी भी नहीं। टैक्सी, टैक्सी। चलिए। कहाँ जाना है मैम साहब? तुम? रवि बीए बूट पॉलिश वाला टैक्सी ड्राइवर? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमारा नाम तो रामदीन है, रवि हमारा जुड़वा भाई है। हमारी शक्लें इतनी मिलती है कि घर वाले भी धोखा खा जाते हैं। अब देखिए ना, ड्राइवरी का परीक्षा हमने दिया और लाइसेंस उन्हें मिल गया, बीए का इम्तहान उसने दिया और डिग्री हमका मिल गई। कोई अच्छा काम मैं करता हूँ तो शाबाशी उन्हें मिलती है, बुरा काम वो करता है और सजा हमको मिलती है। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि खून उसने किया और फांसी हमका लग गई। हाँ बस बस यही रोक दो। ये लो। अरे मैम साहब अब ये 5 रुपया ज्यादा छोड़ जा रही है। तुम रख लो टिप। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम कम मेहनत का कमाई चाहिए, हराम का नहीं। अरे खुशी से दे रही हूँ, रख लो ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अपने उस जुड़वा भाई को, उस हमशक्ल भाई को, उस बूट पॉलिश वाले भाई रवि को दे देना। काहे रवि पर इतनी मेहरबानी काहे? बिकॉज अ वेरी स्पेशल ओकेजन इज गोइंग टू कम। एक बड़ा खास दिन आने वाला है इसी शहर में। हम समझा नहीं। बड़े हाई लेवल की बात है, तुम समझोगे भी नहीं। क्या बात है रहीम चाचा? अभी रहीम चाचा को फंसा दिया था ना। क्या हो रहा है विजय चाचा? श, श, श। विजय अरे ये क्या है, कौन रख गया है? भाभी के लिए, भैया के लिए? आज कोई त्योहार है क्या? बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे वाह रे मालिक वाह, वक्त और पेट के चक्कर में आदमी इतना बुलक्कड़ होता जाता है कि उसे इतना भी याद नहीं रहा कि आज से 10 साल पहले आग के चारों तरफ 7 चक्कर काट कर किसी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि आज हमारी भाभी और भैया की शादी की 10वीं सालगिरह है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। भाई मैंने सोचा सुबह सुबह अपने भाइयों के साथ चाय पी लूं तो मजा आ जाएगा, और फिर आज विजय 3 महीनों के लिए हॉस्टल भी तो जा रहा है, सोचा थोड़ी सी गपशप हो जाए। हाँ? मैं अपने कप ले आ। अरे नहीं नहीं भैया, ये लो आधी आधी बांट कर। आधी इसमें से। अरे इसमें से थोड़ा। नहीं 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 थोड़ा थोड़ा, थोड़ा। क्या हो भैया? कल तुम दोनों के तोहफे देखकर जी भर आया, पिताजी याद आ गए। तुम दोनों इतने इतने से थे जब पिताजी ने मरते समय
मुझसे वचन लिया और कहा, प्रेम, विजय और रवि तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे बेटे हैं। इन्हें अपनी औलाद की तरह पालना, पढ़ाना लिखाना, समाज में अच्छी जगह दिलाना, घर की एकता को कभी टूटने ना देना। जब तक जिंदगी रहे तमाम भाई एक ही छत के नीचे रहना। यह मकान जो हमारा स्वर्ग है, तीर्थ स्थान है, हमारा घर एक मंदिर है, इस मंदिर को कभी छोड़कर ना जाना। बस यही सपना लिए मैं आज तक जी रहा हूं। तुम्हारी घड़ी और साइकिल मेरे लिए बहुत कीमती तोहफे हैं, मगर मुझे इन सभी बड़े तोहफे चाहिए जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। विजय, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में डॉक्टरी पास करके गोल्ड मेडल लेकर आओगे, और रवि, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में बीए पास करोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि जीते जी दुनिया में स्वर्ग पा लिया। इससे बड़ा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। भैया, हम आपको यह तोहफा जरूर देंगे। आपका यह सपना हम जरूर पूरा करेंगे भैया। हमसे गलती हो गई, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपनी पढ़ाई का वक्त कभी बर्बाद नहीं करेंगे। और सारी जिंदगी एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए जिंदगी गुजार देंगे। अरे, मैं तो कुछ जरूरत से ज्यादा गंभीर बातें करने लग गया। अरे करना चाहिए भैया, ऐसी बातें करना चाहिए कभी कभी। टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी आंसू भी बहाने चाहिए, वरना खाम का आंसू आंख में बेकार पड़े रहते हैं। लोग तो दुख में आंसू बहाते हैं, हम तो प्यार में खुशी में आंसू बहा रहे हैं। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। जा। जी। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.